नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आपकी उंगलियों के इशारों पर कुछ ही देर में कैब लेकर हाजिर होने वाले कैब ड्राइवर इन दिनों रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में कैब सुविधा देने वाली कंपनी ओला के फाउंडर ने अपने ड्राइवर्स के लिए खास फंड का ऐलान किया है। ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में लाखों ड्राइवर्स और उनके परिजनों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उनकी मदद के लिए हम ड्राइव द ड्राइवर फंड शुरू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इस फंड में अपने अगले एक साल तक की सैलरी दे रहा हूं। वहीं उन्होंने बताया कि ओला की ओर से इस फंड में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन में ओला की सर्विस ठप है, यानी जो कैब ड्राइवर दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में लोगों को सुरक्षित और शानदार तरीके से उनके स्थान तक पहुंचाते थे, वो आज खुद घर पर बैठकर बेबसी और मुश्किलों भरे इस दौर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर ओला की तरफ से इस तरह की बड़ी पहल की गई है तो यकीनन आने वाले दिनों में इसी तरह का कदम बाकी कंपनियों को भी उठाना चाहिए। वैसे भी ओला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन ड्राइवर की वजह से ही इतनी बड़ी बनी हैं। अगर ऐसे वक्त में वो अपने ड्राइवरों की मदद को आगे आ रही हैं तो बहुत ही बेहतर बात कही जाएगी। धन्यवाद।